नाम प्रखंड का उकरणपुर पंचायत के दमगड़ा गांव आयल छे। यहाँ छोटो छोटो बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़े छे। यहाँ एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल छे। यहाँ का अधिकतर किसान खेती पर निर्भर छे और ये अपना खेत में जीरो बजट से खेती करे छे। हमर नाम भेले माला देवी, बिंदी जीविका संघ सहायता समूह के अध्यक्ष छिए, ज्योति जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य छिए। हमर घर भेले दमगरा, प्रखंड भेले धमधा, जिला पूर्णिया के हम निवासी छी। हमरा नाम भेले रतनमाला देवी, बिंदी स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष। हमर नाम प्रवीण कुमार भेले, हम ज्योति महिला ग्राम संगठन के वीआरपी भेलिए, ग्राम पोस्ट अमारी कुकरन, थाना धमधा, जिला पूर्णिया। दीदी ई जे छे देसी गाय के गोबर होले, एक सप्ताह पुराना छे। घंजीवा अमृत के लड्डू बनाबे के लिए आज से हम 100 किलो निकाले छिए। की करे छ भैया? घंजीवा अमृत के लड्डू बनाबे के लिए हम छे गोबर 100 किलो निकाल रहल छिए। ई घंजीवा अमृत का लड्डू बनाय भ? हां भैया, ई देसी गाय के गोबर छिए भैया, एक हफ्ता के छे। देसी गाय के 100 केजी गोबर छे। भियारपी भैया से सीख लाल छे जे घंजीवा अमृत के गोबर के लड्डू बने छे केना। भियारपी भैया से सीख लाल छे कि लड्डू केना बने छे। अच्छा तब तो हम यहाँ बहुत बढ़िया मौका पर पहुँची गलिए, तो हम सीख लेबे कि घंजीवा अमृत का लड्डू कैसा बने छे। हाँ भैया, आज पूरा जानकारी यहाँ से ले ले। हाँ भैया, सीख लिया बढ़िया से, बढ़िया भ जेते। हाँ दीदी, हम यहाँ बहुत ध्यान पूर्वक देखबे और बढ़िया सीखबे एकरा। हाँ भैया, सीख लिया बढ़िया से। आप जे छै गोबर के हम प्लास्टिक पर राख रहल छिए। हां राख भैया, प्लास्टिक पर राखै छ। हां, हमर नाम छै गीता देवी, बिंदी संघ सहिता समूह का सचिव छिए। घंजीवा अमृत का लड्डू बनाबे का की उद्देश्य छै भैया? ई घंजीवा अमृत के लड्डू छै, एक प्रकार के खाद छिए। ई खाद छै ने? हां भैया, और एकरा बनाबे के लिए छे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जस्ता, कैल्शियम, तांबा, ये सब तत्व पाएल जाए। तो ये सब तत्व एम पाएल जाए? हाँ। तब तो बहुत बढ़िया चीज हो। हाँ। और एकरा बनाबे में छे कोई पैसा खर्च नहीं। तो खर्च भी नहीं लागे छे कोनो? नहीं भैया। सबसे पहले जे ई गोबर छे एकरा ई प्लास्टिक पर हम पसार दे छिए। ओ, पहले प्लास्टिक पर एकरा पसारी दे छिए ना? हाँ भैया। ई जे छे दीदी एक किलो शक्कर होले। एक किलो शक्कर छे? हाँ भैया। एक किलो शक्कर की करबे भैया? एकरा ई शक्कर जे छे ए गोबर पर छिड़काव करबे। ई शक्कर का गोबर पर छिड़के छिए? हाँ। तो शक्कर का की काम छे? भैया ई शक्कर के काम छे जीवाणु के ई जे छे भोजन होय छे। हाँ। और ओकर संख्या का बढ़ाबे छे। मतलब ई जे छे शक्कर, ई जे जीवाणु के भोजन छिके। हाँ। और एकरा संख्या जीवाणु के संख्या बढ़ाबे छे। हाँ भैया। ओ, तब भैया ये शक्करो मिलाना जरूरी है? हाँ दी, एकदम जरूरी है। अच्छा जरा पसंद में शक्कर नहीं होते तो वहाँ की मिले थे? वो जे छे एकरा में मीठा फल जे होय छे। हाँ। ओकर गुद्दा के उपयोग कर सके, जना आम के गुद्दा भेले, केला, अमरूद के गुद्दा एकरा में उपयोग कर सकै छिए। अगर बढ़िया नहीं छे तो खराब के भी उपयोग जे छे एमे
यानी जे फल की खराब छे जे की खाय योग्य नै छे ओकरो जे छे मीठा फल क गुद्दा यम डाल सके छे। हां भैया एकदम डाल सके छे। तब तो भैया केला जो ज्यादा पक जाए छे तू हमें सब फेंक दे छी अगर जे ई मिला लेबे त खाद में बहुत अच्छा काम भ जेते। हां तब तू तो शक्कर से बढ़िया काम करते हो। शक्कर जे छे भैया जीवाणु के भोजन छिया। हां हां दीदी जीवाणु के भोजन भी होय छे और ओकर संख्या भी बढ़ावे छे। गोबर में जीवाणु होय छे भैया। हां दीदी ओकरे खातिर त ई शक्कर गोबर में मिलाल जाय छे। शक्कर त मिलाल भ गेले भैया। हां अभी शक्कर त छिटी देले। हां अभी छे 2 किलो बेसन होले। ई बेसन 2 किलो छे। हां 2 किलो बेसन छे। एकरा जे छे गोबर में छे मिलेनाय छे। बेसन का भी गोबर में मिले हो ना। हां भैया तो बेसन का की काम होय छे। बेसन के काम होय छे कि जीवाणु के छे ना ई भोजन के बढ़ावे छे। तो बेसन भी जीवाणु के भोजन छे ना। हां ओकर भोजन छे। भैया एम कथी सब के बेसन डाल सके छे। आज सब में एम जे छे ना बेसन जे डालना छे एकरा में छे कि कोनो भी डाल के हम बेसन डाल सके छे। जैसे में भेले अरहर भेले खेसारी भेले चना भेले और मसूर भेले मटरो के डाल सके छे भैया। हां एकदम बिल्कुल जरूरी छे मतलब कोनो भी डाल के बेसन में डाल सके छे। ओ तब खेसारी मसूर कोनो भी डाल के बेसन डाल सके। हां दीदी बेसन तो मिलाल भ गेले भैया। हां अभी छे मेर के एक मुट्ठी मिट्टी भेले। हां एकरा में आप जे छे एकरा मिलेबे तो मेर का मिट्टी हम कना मिलावे छे भैया। ई आइ लिए मिलाल जाय छे क्याकि आइ में जीवाणु के असीम भंडार होय छे। एम जीवाणु का असीम भंडार छे। हां भैया तब मेर हे के मट्टी मिलाल जाय छे और कहीं के मिट्टी ने मिलावे सके। हां दीदी और जगह के भी मिट्टी मिला सके छे जना जंगल के मिट्टी भी मिला सके छे और चारा के मिट्टी मिला सके छे। मतलब जहां पर खाद नै होय छे वहां के मिट्टी हम इस्तेमाल कर सके। यानी जहां पर रासायनिक खाद नै दे छे वहां करो मिट्टी होना चाहिए। हाँ, एक मुट्ठी। हां भैया एम त मिट्टी छिट देलिए या। हां मेर के मिट्टी तो छिटी देले। आप जे छे ई गाय की देसी गाय के छे ई गौमूत्र भेले। ओ ई देसी गाय के गौमूत्र छे। हां भैया ई कितना छे। 5 लीटर छे। ई 5 लीटर छे। हां मिलेले से की हेता। एकरा मिलेले से एकरा में छे नाइट्रोजन पाइल जाय छे। नाइट्रोजन ककरा कहै छै भैया। यूरिया के कहल जाय छै नाइट्रोजन। ठीक ने। अच्छा देसी गाय के गौमूत्र मिलाना चाहिए। नै एकरा में और मतलब देसी भैंस आधा देसी भैंस और आधा देसी बैल के छै दोनों मिक्स करके पूरा एकरा मिला सकै छियै। आधा आधा के तो मिला दै छियै। हां एकदम मिलेनाय बहुत जरूरी छै। तो आप तो इसमें सब चीज मिला दिलिए दीदी। हाँ, आप जे तो सब चीज डाली दिल। हां आप जे एकरा दोनों हाथ से एकरा मिलेना है छे। मतलब एकरा बढ़िया से मिला देना है। हां पूरा बढ़िया से मिला देना है छे। हम सब दीदी मिलाबू दोनों के तीनों के। हां भैया आइमे छे कौन चीज मिल लिए याद छ। हां हां भैया हमरा सब याद छ हम ध्यान पूर्वक से देख ही रहलो छिए। तो यम तो देखलियो न 100 केजी जे छे देसी गाय के गोबर पर 1 केजी शक्कर मिले ल। हां भैया अब ओकरो बाद 2 केजी बेसन जे छे उ डाल ल। हां भैया अब ओकरो बाद 5 लीटर गौमूत्र 1 मुट्ठी मेर का मिट्टी यम डाली का बढ़िया सोसनी मिला रहलो छ। हां भैया बढ़िया से मिलवा दीदी झब झब कर। हां एकरा छ न बढ़िया से मिलेना छे। ठीक न। हां बढ़िया से जैसे कि बढ़िया से पूरा एकदम मिश्रण भ जाए। एकरा बहुत बढ़िया से मिला देने छियो। ठीक छ मतलब एकरा बढ़िया से मिलाना छ ना। हां बढ़िया से मिलेना छ एकरा बहुत बढ़िया ताकि शक्कर बेसन हर जगह पहुंच जाए। हां जितना सामग्री सब मिल जाए बढ़िया से। हां अब तो एकरा अच्छा से मिला देले छिए। हां अच्छा से मिला देले। हां आप एकरा की कर दे छ ई जूट के बोरा से 48 घंटा तक छायादार जगह में एकरा राख देना छ। ओ 48 घंटा एकरा झपा के रखना है। हां 48 घंटा तक छायादार जगह में रखना है। छायादार में रखना जरूरी है भैया। हां बहुत जरूरी है। हां हां बहुत जरूरी है। झपना जरूरी है भैया। हां जूट के बोरा से झपना बहुत जरूरी है। तब तो हम सब जा छियै 48 घंटा के बाद देबो
48 घंटा के बाद के प्रक्रिया छे 48 घंटा बाद हमरा के आज के बतेबो तोरा के की करे छ भैया भैया भोरे भोर जे छै दुवार के कनी साफे कर दे छै भैया 48 घंटा नै पुरला हां 48 घंटा त भए गेलै आब जे प्रक्रिया जे छै करबे ने हां चलो बताबै छियै अगला प्रक्रिया चलो कटा आगु करि देखाबो की सब करबो ठीक आप जे छे दीदी एकरा ई जूट के बोरा के एते उघाड़ देना छे ठीक ने और एकर जे छे छोटा छोटा एकदम लड्डू बनेना छे गोल गोल ये तो कुछ टाइट भग लग रहा मिला मिला बनेना हां हां एकदम मिला मिला बनेना छे ओ सही टाइट भग लग छे हां 48 घंटा बाद घंटा भग रहते टाइट हां हां देखे छे टाइट छे आ मिला के छे सब बनेना छे ठीके छे भैया सब दीदी मिलेबे ने बनेबे ने त बढ़िया होते हां सब दीदी भैया मिलके अच्छा लागते अच्छा बताबो कतना कतना लड्डू बनैय एकरा छे एकदम छोटा छोटा ई मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं होना मतलब जेकरा मंजला साइज बोली छे साइज हां वैसा साइज के बनैय छे ये साइज ठीक छे भैया हां एकदम बिल्कुल ठीक एकरा जे छे ने दीदी आप जे छे एकरा हल्का धूप में ई लड्डू बनाए के सुखैनाय छे अच्छा हम सुखैनाय छे भैया हां अगर ज्यादा गर्मी छे तो पेड़ के छांव में का मतलब सुखेना छे अच्छा, अगर बारिश के मौसम चल रहल छे तो एकरा हल्का मतलब धूप में भी सुखा सके सुखा कर मतलब जब भी सुखाना छे ना हां सुखाना भी छे यानी जब भी सुखाना छे त ई हल्का धूप में ही नहीं तो छांव में नहीं तो छांव में पेड़ के छांव में भैया एकरा क्या दिन सुखेना छे एकरा जे छे ना दीदी जब तक ई सूख नहीं जाए तब तक एकरा सुखेना छे ठीक ने ई सुखा के रखते कथी में जूट के बोरा में छेकरा भंडारण करना छे तो ई जूट का बोरा में भरी के एकरा भंडारण कर सके छे रख सके छे ना हां हां रख सके छे एकरा गंजीबा अमृत का हां लड्डू का बनेला की लाभ छे भैया एकरा बनेला से यह लाभ छे कि एकरा छे आप खेत में उपयोग करबे ई छे हर फसल के लिए लाभदायक छे ई एकर काम की छे मतलब पेड़ के छे वो स्वस्थ रखे छे ठीक छे पेड़ के स्वस्थ रखे छे हां पौधा के स्वस्थ रखे छे और ओकर फल जे होय छे मतलब फले छे बहुत ज्यादा और एकर फल स्वादिष्ट बहुत ज्यादा होय छे यानी पौधा म एकरा प्रयोग करला के बाद पौधा स्वस्थ रहे छे हां और फले छे ज्यादा न हां बहुत ज्यादा फले छे और खाम भी बहुत स्वादिष्ट होय छे न हां भैया तो सब्जी में भी डाल सके छे एकरा हां हर फसल में डाल सके छे एकरा तब तो बढ़िया फायदा होय छे भैया गंजीबा अमृत का लड्डू तो बहुत अधिक लाभ बुझावे छे हां भैया एकरा में बहुत अधिक लाभ छे गंजीबा अमृत का लड्डू बनावे में कोनो सावधानियां राखल पड़े हां भैया एकरा में सावधानी राखल जाय छे कि एकरा ई लड्डू के जे छे कड़ा धूप में नहीं सुखेना छे हल्का धूप में सुखेना छे त पेड़ के छांव में राख के कहीं सुखेना छे ठीक ने और एकरा एकर उपयोग जे छे हम मतलब खेत में नमी रह के बाद कर सके छी एकरा और अगर खेत में नमी रहे तो हाँ, तब कर सके हां पूरा अगर नमी छे तब कर सके छी और उपयोग जे एकर करल जाय छे वो 6 महीना तक के लिए होय छे 6 महीना के बाद अगर करबे तो बेकार जाय छे मतलब एकरा जे छे हल्का धूप में सुखाना छे हाँ, नहीं तो छांव में सुखाना छे हां आ ओकरा बाद जे छे एकरो उपयोग 6 महीना ही तक करना छे हां 6 महीना तक खेत में नमी रहते तभी उपयोग करबे ना खेत में जब नमी रहते तब उपयोग करना छे ये सब सावधानी राखल पड़ जे हां ये सब सावधानी एकदम राखल पड़ी तब 6 महीना के अंदर एकरा एकर काम होना चाहिए हां 6 महीना के अंदर एकरा उपयोग कर लेना छे 6 महीना के बाद भैया तब एकरा कोनो अथी ने नहीं कोनो मतलब एकर बेकार भए बेकार भए जे छे हम यहाँ गंजीबा अमृत लड्डू के यहाँ बनाना सीखने छे आ सब किसान दीदी भैया सब निवेदन करे छे जे सब कोई अपना अपना ही लड्डू बनाए के आ खेत में उपयोग करे ऐसा फसल हरा भरा रहे छे और फलन भी ज्यादा समय तक रहे छे।